Yes, very good afternoon to all of you. Very good afternoon to all of you. Actually, net chala gaya tha, isliye thoda late ho gaya beta. Net chala gaya tha, isliye thoda late ho gaya dosto. Very good afternoon, very good afternoon to all of you. Kaise ho aap log? Kya hal chal aur bawal aap logo ka? I hope so everyone is good, doing fantastic, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो. I hope so कल आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी, जितना पढ़ाया है उतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं. ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने डेफिनेटली पढ़ाई करी होगी. यस बडीज बडीज बाबूस गुड्डू सोना जानूस भिंडी रोनास प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. आइए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं. अच्छा दूसरा, आपके जो ये हैंड रिटन नोट्स है, ये आज न्यू सिलेबस वाले जितने बच्चे हैं उनके जो हैंड रिटन नोट्स है वो अपलोड हो जाएगा आज वेबसाइट पे, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा. चलिए टैक्स और एसबीसी का भी अनाउंसमेंट आ जाएगा, टैक्स और एसबीसी का भी अनाउंसमेंट आ जाएगा. चलिए लिंक क्यों नहीं भेजी ग्रुप में, एक मिनट लिंक गई नहीं है बोल रहा हूं, रुक जाओ दिनेश को. भाई मेरी बात सुनना, लिंक गई नहीं है बच्चे बोल रहे हैं, और मैंने अभी चालू की, मैंने चालू किया उसमें वो डालना, एक बार चेक कर ले, रीसेंड कर दे एक बार. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. ये आपको जो लिखवा के दिए वही है, हैंड रिटन नोट्स ही है. एफएम और सीएमए का आज अनाउंसमेंट आएगा बेटा, एफएम और सीएमए का आज अनाउंसमेंट आएगा. चले क्या ये, चले 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 चले. ओके यार सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, खाना स्टार्टिंग जल्दी से देखो. कल हम लोगों ने शेल प्रोस्पेक्टस देखा था, यस और नो, एवरेज प्रोस्पेक्टस भी देखा था, शेल प्रोस्पेक्टस भी हम लोग देख चुके थे. नाउ वी आर मूविंग फॉर द डीम प्रोस्पेक्टस भी हम लोग देख चुके थे. मिस स्टेटमेंट आता है तो वो भी हम लोग देख चुके थे कि भैया अगर मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में तो क्या लाइबिलिटी आपकी हो सकती है. चलिए अभी हम लोग बात करेंगे शेयर कैपिटल की, शेयर सर्टिफिकेट की. सभी लोग ध्यान देना बेटा यहां पे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों. चलिए सर मॉड्यूल से करवाओगे, यस डेफिनेटली मॉड्यूल से कराएंगे, यस मॉड्यूल से कराएंगे. क्या करेंगे बेटा, मॉड्यूल पढ़ेंगे, हैंड रिटन नोट, हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूल ओवरव्यू करेंगे, हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे फिर मॉड्यूल ओवरव्यू करेंगे. ठीक है चलिए. एक बार सर एडिशनल डिस्क्लोजर बता देना डिम प्रोस्पेक्टस में. देखो एडिशनल डिस्क्लोजर ये है, सबसे पहली चीज एडिशनल डिस्क्लोजर में ये चीज है, आपको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो पहली चीज आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा दोस्तों कि नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी, जब भी ऐसे केसेस आते हैं कंपनी को कितना पैसा मिला हुआ है, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी वो आपको बताना पड़ेगा. दूसरा कंपनी और इंटरमीडियरी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो प्लेस एंड टाइम जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं. तीसरा, तीसरी चीज ये बतानी है आपको कि भाई साहब यहां पे ये जो इंटरमीडियरी है जिसने ये डीम प्रोस्पेक्ट इश्यू किया है अगर वो कंपनी है तो दैट मस्ट बी साइन बाय दी टू डायरेक्टर, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो दैट मस्ट बी साइन बाय दी वन हाफ ऑफ दी पार्टनर, वन हाफ ऑफ दी वॉट बेटा आपका पार्टनर. ठीक है ओके. मिस स्टेटमेंट का मतलब हो गया अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, सी व्हाट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस समझते हैं, अगर कंपनी ने कोई भी कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है रॉन्ग इंफॉर्मेशन, या ओमिट किया है किसका मटेरियल इंफॉर्मेशन का, या सप्रेस किया है,
सर मेन ग्रुप में लिंक नहीं गई, एक मिनट ग्रुप में लिंक नहीं आई क्या? अरे वो मेन ग्रुप में लिंक नहीं गई क्या? जनवरी मई और जुलाई। हाँ अच्छा, क्यों ये नहीं आ रहा है? देख एक बार चेक कर, सब जगह सारे ग्रुप में गई है क्या? अपने भी और जो फ्री बैचेस के ग्रुप बनाए उसमें भी गई है क्या? देख ले एक बार, शायद से थोड़ा व्हाट्सएप हैंग हो गया था उनका लग रहा है। अच्छा लाइबिलिटी देखो यार, सिविल लाइबिलिटी क्या आएगी? अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट है तो सिविल लाइबिलिटी क्या आएगी? कि आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा किसको? मेंबर को। कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा किसको बेटा? मेंबर को। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या आएगी दोस्तों? आपका इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा कितने महीने का? 6 महीने से लेके कितने साल तक का? 10 साल तक का। और फाइन लग सकता है कितना? अमाउंट इन्वॉल्व इन प्रोस्पेक्टस, अमाउंट इन्वॉल्व इन प्रोस्पेक्टस विच मे एक्सटेंड टू 3 times। चलिए अब आ जाइए शेयर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट दोस्तों? सर क्वेश्चन भी सॉल्व करा देना। यस यस करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो। लर्न हैंडरिटन नोट्स कर लेना है, एक बार आपका मॉड्यूल ओवरव्यू कर लेंगे, हैंडरिटन नोट्स से याद करेंगे। अच्छा शेयर सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों, सर एक बार सेक्शन 28 बता दो। सेक्शन 28 बोलता है कि भाई साहब कुछ चीजें हैं जो डीम प्रोस्पेक्टस में नहीं लगती है, जैसे कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये डीम प्रोस्पेक्टस में नहीं लगता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये डीम प्रोस्पेक्टस में लगता नहीं है। तो कुछ सारी चीजें हैं जो आपको किसको अप्लाई नहीं होती है डीम प्रोस्पेक्टस में, वो कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 28 में लिखा हुआ है। सर वापस बोलो, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, ध्यान से सुनना। चलिए व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट बताइए एवरीबॉडी, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट दोस्तों? शेयर सर्टिफिकेट इज अवॉर्ड बेटा आपका, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। यार आप कोई भी शेयर खरीदते हो कंपनी के तो आप ओनर हो, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ यही है कि आपके पास उसका क्या है? शेयर सर्टिफिकेट है। क्या है आपके पास? उसका शेयर सर्टिफिकेट। और शेयर सर्टिफिकेट आर नथिंग बट द व्हाट बट आपका प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अच्छा इट इज इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। क्या मैं बोल सकता हूं उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? आपका कॉमन सील लगाया जाता है। और कॉमन सील नहीं है तो कौन साइन करते हैं? 2 डायरेक्टर, और या फिर एक डायरेक्टर और एक कौन बेटा आपका? सेक्रेटरी। 1 डायरेक्टर और 1 व्हाट बेटा आपका? सेक्रेटरी। सो शेयर सर्टिफिकेट होता क्या बताइए, टेल मी व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट दोस्तों? केस स्टडी करवाएंगे, टॉपिक खत्म हो जाने तो बाबू कराऊंगा केस स्टडी, डोंट वरी। हाँ तो जब हम बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट की दोस्तों, तो बताइए शेयर सर्टिफिकेट की जैसे ही बात होगी तो क्या है शेयर सर्टिफिकेट? टेल मी इट्स अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। वानी मैडम इट्स अ व्हाट बेटा आपका? प्रूफ ऑफ ओनरशिप। दूसरा बोला है, लवी थोड़ा पीछे ले ले, अभी बताया मैंने बेटा थोड़ा पीछे ले ले। सेकेंड वन क्या बोला गया है? इश्यूड अंडर व्हाट बेटा आपका? कॉमन सील। इश्यूड अंडर व्हाट बेटा आपका? कॉमन सील। अच्छा कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो क्या करेंगे? साइन बाय कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर, या फिर एक डायरेक्टर और एक कौन बेटा आपका? कंपनी सेक्रेटरी। सर कितने दिन के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना है? सर लिंक नहीं आया आज रिविजन क्लास की। अरे यार क्या है ये? सर एस एस लिमिटेड अलॉटेड शेयर टू इन्वेस्टर ऑफ कंपनी विदाउट फाइलिंग अ प्रोस्पेक्ट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, मे एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल टू इन्वेस्टर इन दिस रिगार्ड्स। वही सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी बेटा, अगर प्रोस्पेक्टस नहीं देते हो तो। अरे बच्चे बोल रहे हैं अभी तक लिंक नहीं आई है यार। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अभी तक लिंक नहीं आई है ग्रुप में। भाई ग्रुप में लिंक नहीं आई है ऐसे बोल रहे हैं अभी भी बच्चे। चले ओके, सेक्शन 447 इज अ लाइबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की लाइबिलिटी लिखी हुई थी सेक्शन 447 में। आइए चलिए यार, टाइम लिमिट फॉर शेयर सर्टिफिकेट, मतलब आपको शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट आपको कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए है ना, मतलब इसका एक टाइम लिमिट दिया है। अगर आप एमओए को सब्सक्राइब करते हो, किसको सब्सक्राइब करते हो? एमओए को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप सब्सक्राइब करते हो, तो कितने महीने के अंदर आना चाहिए? 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कितने महीने में मिल जाना चाहिए आपको? 2 months फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। सपोज आपने कंपनी बनाई है, यू आर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। एवरीबॉडी बंद करो फोन में, यार अभी रिविजन में बैठे हो क्या कर रहे हो यार? हाँ बंद करो उसको, यहां ध्यान दो। मुझे बताओ जब भी कंपनी के आपने अगर एमओए को सब्सक्राइब किया, क्या किया बेटा आपको? एमओए को आपने क्या करा? सब्सक्राइब किया। तो कितने महीने में मिल जानी चाहिए शेयर सर्टिफिकेट? 2 महीने में।
अगर आपने अलॉटमेंट किया है, शेयर्स क्या हुआ है आपको, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कैसा हुआ, पब्लिक इश्यू में हुआ है या फिर प्राइवेट इश्यू में हुआ है, तो कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए आपको शेयर्स, सर्टिफिकेट? 2 महीने कहां से, अलॉटमेंट, 2 महीने कहां, 2 मंथ्स कहां से बेटा, अलॉटमेंट। सी एक्चुअली आपको शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए, या फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो बताइए, अगर आपने एमओए को सब्सक्राइब किया तो 2 मंथ्स, अगर कंपनी ने आपको अलॉट किया तो, अलॉटमेंट कम होता है जब प्राइवेट इश्यू आता है, पब्लिक इश्यू आता है तो उस केस में क्या होता है, अलॉटमेंट। तो कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए दोस्तों, 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, थर्ड वन, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सर जैन वाले ग्रुप में नहीं आई है, ऑफिस वाले आज कुछ खा लिए हैं, जैन वाले ग्रुप में नहीं आई है, तब भी मैं बोलूं बच्चे इतने कम क्यों है, लिंक रही नहीं है, एक्चुअली नहीं गई है। एक मिनट उनको, चले ओके, उसके बाद दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, नेक्स्ट वन क्या बोला गया है, अगर आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर मतलब क्या दोस्तों बताइए, ट्रांसफर मतलब आपने शेयर्स बेचा है, जैसे मैंने अपने शेयर्स मोदी सर को बेच दिए, तो मोदी सर को शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए, 1 महीने फ्रॉम व्हाट बेटा, आपका ट्रांसफर, 1 महीने कहां से बेटा, आपका ट्रांसफर से। अच्छा डिबेंचर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट मतलब क्या दोस्तों, डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, तो बोले 6 मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट, कितने महीने से बेटा, 6 मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट। अच्छा अगर आईएफएससी कंपनी है, कौन सी कंपनी है, आईएफएससी मतलब कौन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी, आईएफएससी कंपनी मतलब कौन सी होती है यार, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो है कहां पे, इंडिया में, बट सर्विसेज कहां दे रही है, आउटसाइड इंडिया। आईएफएससी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो है कहां, इंडिया में, बट सर्विसेज कहां दे रही है, आउटसाइड इंडिया। उनको शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, 60 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट और ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। ठीक है, यस वैभव सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गए, आपके शेयर सर्टिफिकेट गुम गए, आपके शेयर सर्टिफिकेट जल गए, तो आप क्या मांग सकते हो, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, क्या मांग सकते हो बोलो ना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। बहुत ईजी टॉपिक है यार शेयर सर्टिफिकेट का, वेरी इजी। तो जो टॉपिक इतने एकदम आसान वाले होंगे वहां थोड़ा स्पीड लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो बताइए कितने दिन के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, अलॉटमेंट से 2 महीने, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया तो 2 महीने, ट्रांसफर 1 मंथ, ट्रांसमिशन 1 मंथ, ट्रांसमिशन 1 मंथ, डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 मंथ, आईएफएससी कंपनी 60 डेज, मतलब कितने महीने, 2 महीने, कितने महीने बेटा, 2 महीने। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन हम बात करें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, किसकी बात करें बेटा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो जब हम बात करते हैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड इफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया है, लॉस हो चुका है, या ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट आपका क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो क्या किया जाएगा बेटा, आपको नया 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 क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा कंपनी ने क्या करना है, निशिका ओके, कंपनी ने क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, कंपनी ने क्या मेंटेन करना है, एक रजिस्टर, किस चीज का रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, इनफॉर्म नंबर SH2, इनफॉर्म नंबर व्हाट बेटा आपका SH2। सी कंपनी ने किन किन लोगों को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए, किन किन व्यक्तियों को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए, उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसका फॉर्म नंबर कौन सा है, SH2, करेक्ट है, आते बात ये सुनो। अच्छा शेयर सर्टिफिकेट क्या है, ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किसका, प्रूफ ऑफ ओनरशिप का, वन कैन रिलाई ऑन अमाउंट मेंशन इन दी शेयर सर्टिफिकेट, है ना, वन कैन रिलाई, अगर शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है कि शेयर सर्टिफिकेट शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, तो हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं कि शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड अप है, तो आप शेयर सर्टिफिकेट पे ऑब्वियसली बात है इट्स अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, तो आप भरोसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, भरोसा कर सकते हो। अगर शेयर सर्टिफिकेट रॉन्ग पर्सन को इश्यू कर दिया है, किसको इश्यू कर दिया है, देना किसी और को था, दे दिया किसी,
देना किसी ही और को था और दे दिया किसी. इन दैट सिचुएशन कंपनी क्या उसको सरेंडर करने के लिए बोल सकती है? और अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो कंपनी उन सर्टिफिकेट को क्या कर सकती है? कैंसल. उन सर्टिफिकेट को क्या कर सकती है बेटा? कैंसल. एक बार आते हैं दोस्तों जरा मॉड्यूल में चेक करते हैं. देखना मेरी जान पान की दुकान बड़ी, सभी लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा. एक बार जस्ट मॉड्यूल से ओवरव्यू कर लेते हैं. यस, सो देखना है यहां पे. सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट की बात करिए, बराबर है ना? ठीक है ना, शेयर सर्टिफिकेट की बात करिए दोस्तों. टाइमलाइन दिया है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कितने महीने? एक मिनट. मेरे कमेंट कुछ सेकंड के लिए स्टक हो रहे हैं, हो नहीं रहे. मैंने किए बेटा सबके, स्लो मोशन लगाया बाबू. ये देखिए टाइमलाइन दिया शेयर सर्टिफिकेट. बताओ मेमोरेंडम को कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए भैया? 2 महीने के अंदर. अलॉटमेंट के अंदर भी कितने? 2 महीने. ट्रांसफर ट्रांसमिशन केस में कितना? 1 month. अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर कितने महीने? 6 महीने. बट कौन सी कंपनी है? आईएफएससी कंपनी है ना, तो आईएफएससी कंपनी को कितने दिन के अंदर देना है? 60 दिन. कितने दिन के अंदर? 60 दिन. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब दे दिया जाएगा? जब आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट या तो क्या हो गया है? डिस्ट्रॉय, या तो क्या हो चुका है? लॉस, या डिफेस, मल्टीएटेड, या टॉन, मतलब कुल मिला के खराब हो चुका है. कुल मिला के खराब हो चुका है. सर ओल्ड सिलेबस के नोट से पढ़ाओ ना बेटा. थोड़ा सा कैसा है, न्यू सिलेबस में कुछ कुछ नई चीजें और ऐड करवा दी, तो आप भी ओल्ड सिलेबस के नोट्स में वो ऐड कर लो बेटा. तो आपका क्या होगा कि थोड़ा सा और उसके अंदर डिटेल में हो जाएगा. इस बार थोड़ा और डिटेल लिखवा दिया मैंने. ओके, अब देखो ओरिजिनल और दूसरा है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. ओरिजिनल है और दूसरा कौन सा बेटा आपका? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. अच्छा, इसमें एक दो चीजें ऐड कर लेना. पहली चीज ये ऐड करना है कि टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी. कितने दिन के अंदर देना है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को? 45 दिन के अंदर दे देना है. और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कितने दिन के अंदर देना है? 3 महीने के अंदर, है ना? कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर. यस, ओल्ड वाले कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. तो ये दो चीजें ऐड कर लो. आप क्या ऐड करोगे? वहीं पे हैंड रिटन नोट्स में लिख लो. हैंड रिटन नोट्स में ऐड करते चलो. सर ये हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे? आज मैं इसको वेबसाइट पे अपलोड करवा दूंगा, शाम तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. वेबसाइट पे, यूनिक के वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे हैंड रिटन नोट्स. ठीक है ना, सभी लोग डोंट वरी बेटा, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना. तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या ऐड करोगे बेटा? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए? अगर कंपनी कौन सी है? लिस्टेड है, तो कितने दिन के अंदर दे देंगे? 45 डेज. कितने दिन के अंदर दे देंगे बेटा? 45 डेज. और अगर अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, तो कितने दिन के अंदर देना है आपको? 3 महीने के अंदर. कितने दिन के अंदर बेटा? 3 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट देते हुए चलना है. ठीक है. अच्छा, फॉलोइंग पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन एंड सेफ कस्टडी ऑफ ऑल बुक्स. कौन करता है बेटा? कमिटी ऑफ बोर्ड. कौन करेगा? कमिटी ऑफ बोर्ड. और अगर कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी में तो कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी में है तो कौन होगा बेटा? कंपनी सेक्रेटरी. हाँ, स्वामी सर की चाबी दे देते हैं, बोलना सर को. ये लो सर, प्लीज डाउट के सिवा कमेंट करिए. जेन्युइन डाउट नहीं दिखते हैं, दिखते हैं सर. जेन्युइन डाउट नहीं दिखते हैं सर, प्लीज गाइस डाउट के. हाँ, बाकी कमेंट ना करो. डाउट के डाउट रहे ना वही कमेंट. जेन्युइन कमेंट करो, बाकी के कमेंट ना करो बेटा. जेन्युइन कमेंट करना है, बाकी कमेंट नहीं करना है दोस्तों. चलिए अब एक इंपॉर्टेंट मार्क करना, दैट इज व्हाट बेटा आपका लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा. लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनने वाला है. आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, समझ लो इसको. लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जैसे ही आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया उसके दो इफेक्ट आएंगे. एक आएगा एस्टॉपल एस टू टाइटल
और दूसरा आएगा एस टू अपल एस टू। हाँ सर, ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन बाय लॉ। सपोज मैं मर गया, मरने के बाद मेरे शेयर्स किसको जाएंगे? मेरे बच्चों को। दिस इज व्हाट ट्रांसमिशन है ना। जब आपका क्या हो जाता है बेटा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। ऑपरेशन बाय लॉ डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, इनसेन आप हो गए हो, उस केस में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने गलत व्यक्ति को शेयर सर्टिफिकेट दे दी है। मेरे को मोदी सर को शेयर सर्टिफिकेट देने थे, बट मोदी सर की जगह मैंने स्वामी सर को भेज दिया, तो क्या रेमेडी है अब कंपनी के पास? कंपनी क्या बोलेगी? मोदी सर को बोलेगी कि आप आपका शेयर सर्टिफिकेट क्या करिए? सरेंडर करिए। आप आपका शेयर सर्टिफिकेट क्या करिए? सरेंडर। और अगर वो सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है तो उनका उतना शेयर क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ही वो शेयर सर्टिफिकेट डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्सन। तो वो शेयर सर्टिफिकेट हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला, दैट इज व्हाट लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। दैट इज व्हाट बेटा आपका लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। इससे यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दो है, एक है एस्टॉपल एस टू टाइटल। एक क्या बेटा? एस्टॉपल एस टू टाइटल। और दूसरा है एस्टॉपल एस टू पेमेंट। एक है आपका एस्टॉपल एस टू टाइटल और दूसरा क्या है बेटा? एस्टॉपल एस टू पेमेंट। करेक्ट है कि नहीं है? अच्छा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का आपने हैंड रिटन नोट्स में मेंशन कर लो। क्या मेंशन करोगे? कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए? अगर लिस्टेड कंपनी है तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर देगी बेटा? 45 डेज। अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 महीने। ओके, पहला है एस्टॉपल एस टू टाइटल। पहला क्या दिया है? एस्टॉपल एस टू टाइटल। अगर शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा हुआ है, शेयर सर्टिफिकेट पे सपोज वानी मैडम का नाम लिखा हुआ है कि ये शेयर सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू होम वानी मैडम, तो इट्स अ नोटिस टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड एट लार्ज को नोटिस होगा। वर्ल्ड एट लार्ज को क्या होगा भैया? नोटिस होगा। किस चीज का नोटिस होगा? तो बोले एक बार शेयर सर्टिफिकेट हमने इश्यू कर दिए, इट बाइंड्स द कंपनी इन टू वे। पहला, इट इज डिक्लेरेशन बाय द कंपनी टू एंटायर वर्ल्ड दैट द पर्सन इन हूज नेम द सर्टिफिकेट इज मेड इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर आपका नाम लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। कहां पे नाम लिखा हुआ है आपका? शेयर सर्टिफिकेट। कहां पे नाम लिखा हुआ है आपका? शेयर सर्टिफिकेट पे। तो यू आर दी ओनर ऑफ सच शेयर्स। यू आर दी व्हाट बेटा आपका? ओनर ऑफ सच शेयर। इट इज नोटिस टू द वर्ल्ड। हाँ, पूरे देश और दुनिया को नोटिस भेज दी हमने कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है आपका। एंटायर शेयर होल्डर को नोटिस चली गई है कि भैया ये क्या है, आपका ओनर है। सो इन अदर वर्ड द कंपनी इज एस्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज टाइटल टू दी शेयर्स। तो कंपनी ये नहीं बोल सकती कि ये ओनर नहीं है, बिकॉज उसका नाम कहां लिखा हुआ है? शेयर सर्टिफिकेट में। कहां लिखा हुआ है दोस्तों? शेयर सर्टिफिकेट। सर अभी तक 4 टेस्ट दी थी बट एक भी चेक होकर नहीं आई। तेरी अकेले की नहीं आई लग रहा है बेटा, तो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी बेटा। लिस्टेड में 45, अनलिस्टेड में 3 months। करेक्ट है बेटा। हाँ, एस्टॉपल एस टू टाइटल, टेल मी व्हाट इज एस्टॉपल एस टू टाइटल। है ना, एस्टॉपल एस टू टाइटल का मतलब क्या होता है? एस्टॉपल एस टू टाइटल मतलब बोलो क्या होता है नालायको? एस्टॉपल को मतलब, एस्टॉपल मतलब टू स्टॉप। एस्टॉपल मतलब क्या? टू स्टॉप। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। अगर शेयर सर्टिफिकेट, सपोज मेरे नाम के शेयर सर्टिफिकेट है, उसमें नाम लिखा हुआ श्री 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 108 श्री माननीय वंदनीय पूजनीय परम पूज्य श्रीमान शुभम अब्बर जी, तो हु इज द ओनर ऑफ सच शेयर्स? मैं उस शेयर का क्या हूं भाई? ओनर हूं। मैं उस शेयर का क्या हूं भैया? ओनर हूं। करेक्ट है, मैं उन शेयर्स का क्या हो गया बेटा? आपका ओनर बन गया। ठीक है, कंपनी डिनाई नहीं कर सकती। कंपनी क्या नहीं कर सकती? डिनाई नहीं कर सकती क्या? ओनरशिप। कंपनी ये नहीं बोल सकती अरे आपका नाम है तो आप ओनर नहीं हो। भैया मेरा नाम है, आई एम द ओनर, आई एम दी ओनर। दिस इज द प्रूफ। सेकेंड है एस्टॉपल एस टू पेमेंट। सेकेंड वन क्या है? एस्टॉपल एस टू पेमेंट। मतलब इसमें बोला इफ द सर्टिफिकेट स्टेट्स दैट फुल अमाउंट हैज बीन पेड द कंपनी इज स्टॉप्ड एज अगेंस्ट अ बोनाफाइड परचेसर ऑफ द शेयर्स फ्रॉम एलेगिंग दैट दे आर नॉट फुल्ली पेड अप। है ना, दे आर नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? समझते हैं आराम से, शांति से सुनना। क्या हुआ है? अगर आपने क्या हुआ भैया? एस्टॉपल एस टू पेमेंट का मतलब सपोज शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। क्या लिखा हुआ है? शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि शेयर्स आर व्हाट? फुल्ली पेड अप। कि भाई शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप है, तो इट इज नोटिस। इसको व्हाट बेटा? आपका नोटिस है। किस चीज का? वर्ल्ड को, कि ये शेयर्स फुल्ली पेड अप है। ये शेयर्स क्या है आपके? फुल्ली पेड अप है। शेयर्स पे लिखा, जैसे आपने फीस रिसीट है आपके क्लास की जिसके ऊपर लिखा हुआ फुल्ली पेड अप, कल को बंदा आएगा नहीं बोले पैसे दो, तो आप क्या दिखाओगे उसको? रिसीट। क्या लिखा है उसके ऊपर? फुल्ली पेड अप। तो क्या हम पैसा आपसे डिमांड कर पाएंगे? आंसर इज
नो नहीं कर पाएंगे. तो अगर लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, इट शोज दैट द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. इसमें केस स्टडी आता है, इसमें केस स्टडी आता है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना. इफ अ पर्सन, अच्छा आगे देखना, इफ द पर्सन नोज दैट द स्टेटमेंट इन अ सर्टिफिकेट आर नॉट ट्रू. बट आपको पता है क्या पता है, द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, मतलब जो फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है वो सही नहीं है. जैसे ऐसी बात है, आपने आपकी फीस रिसीट पे लिखा था फुल्ली पेड अप, बट आपको पता है आपने 50,000 भरे ही नहीं अभी तक. टोटल फीस आपकी 50,000 है, ठीक है, आपने भरी अभी 20,000 रुपए, गलती से उसने उस फीस पे क्या लिख दिया, फुल्ली पेड अप. क्या आपको पता है ना, आपको पता है ना, क्या पता है आपको, कि शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप. शेयर्स आर नॉट व्हाट बेटा, आपका फुल्ली पेड अप. इन दैट सिचुएशन क्या आप ये क्लेम कर सकते हो एस्टोपल एस टू पेमेंट, नहीं नहीं इसके ऊपर लिखा हुआ है ये फुल्ली पेड अप है. आंसर इज नो. समझते हैं एकदम आराम से यहां पे एग्जांपल से देखते हैं बेटा. एक बार शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गया तो कंपनी डिजाइन नहीं कर सकती. यस बेटा, ओके. एक एक बार बता दो कैसे पढ़ना है, हैंडरिटन नोट्स पढ़ के फिर मॉड्यूल पढ़ने, लर्निंग कहां से करें, कुछ समझ. लर्निंग हैंडरिटन नोट से ही करना है बाबू, ऑब्वियसली बात है. पूरा मॉड्यूल याद कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे. देखो सिंपल रखो, कीप इट वेरी सिंपल. अपन एक बार रिविजन आपके संतुष्टि के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल ओवरव्यू कर रहे हैं, बराबर है. टाइटल नहीं समझा श्रेया, थोड़ा पीछे चले जा बेटा, वापस सुन ले एक बार, ठीक है. फिर आपको लर्निंग किससे करनी है, हैंडरिटन नोट से लर्न करना है, याद करना है हैंडरिटन नोट से. और फिर आपको उसकी क्या सॉल्व करनी है, केस स्टडी. केस स्टडी कहां से सॉल्व करोगे, समाधान से, ठीक है ना. केस स्टडी कहां से सॉल्व करोगे, समाधान से. तो बार बार एक ही चीज नहीं पूछनी, अभी यहां ध्यान देना. एस्टोपल सबसे पहले क्या देखा था हमने, एस्टोपल एस टू टाइटल, और दूसरा क्या देखा, एस्टोपल एस टू पेमेंट. टाइटल का मतलब क्या हो गया, ओनरशिप. अगर आपका नाम लिखा हुआ शेयर सर्टिफिकेट में, इट शोज दैट यू आर दी, यू आर दी वॉट बेटा, आपका ओनर. आप लोग क्या हो, उसके ओनर हो. आप लोग उसके क्या हो बेटा, ओनर हो. दूसरा है एस्टोपल एस टू पेमेंट. दूसरा क्या है दोस्तों, एस्टोपल एस टू पेमेंट. एस्टोपल एस टू पेमेंट का मतलब क्या होता है, एस्टोपल एस टू पेमेंट का मतलब यह होता है कि भाई सपोज मेरे को शेयर सर्टिफिकेट मिला है और उस पर लिखा है कि शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. क्या लिखा हुआ है, शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. शेयर्स आर व्हाट बेटा, आपका फुल्ली पेड अप. अब मुझे बताओ, अगर आपने लिखा है शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, तो क्या कंपनी आपसे पैसा डिमांड कर सकती है. आंसर इज नो. आंसर इज व्हाट बेटा, नो. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है. क्या है कुछ एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है आपको बताइए. जो लिखा है ना ये ट्रू, ये अनट्रू है, मतलब आप बोनाफाइड नहीं हो. बोनाफाइड मतलब क्या, गुड फेथ में नहीं हो. आपने शेयर्स का वैल्यू था 1500 रुपए, आपने अभी तक कंपनी को 1000 ही दिया है, लेकिन गलती से मिस्टेक हुई है और क्या लिखा था, फुल्ली पेड अप. तो कंपनी क्या आपसे 500 रुपए डिमांड कर सकती है. आंसर इज यस. आंसर इज यस. क्यों 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 कर सकती डिमांड, क्यों कर सकती डिमांड, क्योंकि अब आप बोनाफाइड हो क्या. बोनाफाइड मतलब कौन सा इंटेंशन, गुड इंटेंशन. तो आप बोनाफाइड नहीं हो, आप बोनाफाइड नहीं हो, करेक्ट है. सो इफ अ पर्सन नोज दैट द स्टेटमेंट इन द सर्टिफिकेट आर नॉट ट्रू, इफ अ पर्सन नोज दैट स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, ही कैन नॉट क्लेम एन एस्टोपल अगेंस्ट दी कंपनी. फिर बोला डिस्पाइट एवरीथिंग अ सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड बाई समवन हु हैज द अथॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल वेर द सेक्रेटरी फोर्स द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर इन अ कंपनी, द कंपनी हैज रिफ्यूज टू रजिस्टर द होल्डर ऑफ शेयर एज अ मेंबर, फर्दर अ सर्टिफिकेट इज नॉट द एविडेंस एज टू इक्विटेबल. अच्छा यार शेयर सर्टिफिकेट दोस्तों ना, शेयर सर्टिफिकेट ना इश्यू करने की जो अथॉरिटी है उसी अथॉरिटी ने इश्यू करना है ना. शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए क्या लगता है, बोर्ड रेजोल्यूशन. क्या लगता है उसको, बोर्ड रेजोल्यूशन. क्या लगेगा बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन, करेक्ट है. शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए क्या लगता है, बोर्ड रिजोल्यूशन. अब यहां पे कंपनी सेक्रेटरी ने ना साइन डुप्लीकेट कर दी डायरेक्टर की. किसकी साइन डुप्लीकेट कर दी, डायरेक्टर की साइन क्या कर दी आपने, डुप्लीकेट कर दी. बेटा ए टू मोटिवेशन, जिनके पेपर चेक नहीं हुए प्लीज आप टिकट रेस करिए, वहां पे तुरंत आपको आज या कल तक रिप्लाई आ जाएगा दोस्तों. हाँ, सो क्या बोला गया है, Despite everything, a certificate must be issued by someone जिसके पास क्या है, authority है. जिसके पास क्या है बेटा, आपका authority है, correct है. जिसके पास authority है वही certificate issue कर सकता है. अगर किसी ने क्या कर दिया,
डुप्लीकेट साइन कर दिया, किसी ने क्या कर दिया भैया डुप्लीकेट साइन, तो आप क्लेम कर सकते हो क्या? आंसर इज नो, वो सर्टिफिकेट एविडेंस भी नहीं है। वो सर्टिफिकेट क्या नहीं है बेटा? एविडेंस। इसमें केस स्टडी क्या आती है समझा रहा हूं आपको, इसमें एक केस स्टडी जो आती है वो समझा रहा हूं, सुनना बेटा। हुआ यू, मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे, शेयर का प्राइस था 100 रुपए, बट मैंने पे किया 70 रुपए, 70 रुपीज मैंने पे किए, बट रॉन्गली कंपनी ने क्या लिख दिया उसके ऊपर कि शेयर्स आर व्हाट? सुनना वापस से, मैंने कंपनी से क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे, शुभम अब्बड़ ने शेयर्स खरीदे जिसका प्राइस कितना था? 100। कितना बेटा? 100। लेकिन उसमें से मैंने कितना पे किया अभी तक? 70। मैंने कितना पे किया है? 70। अभी भी मैंने कितना पे नहीं किया? 30। और यहां पे लिखा के आया कि शेयर्स आर व्हाट? क्या लिख के आया? शेयर्स आर, क्या कंपनी मेरे से 30 रुपए डिमांड कर सकती है? यस। लेकिन मैंने क्या किया मालूम, मैंने जैसे ही देखा, मैंने जैसे ही देखा दोस्तों कि शेयर्स फुल्ली पेड अप लिख दिया और मुझे पता है ये गलत है, मैंने ये शेयर्स मोदी सर को बेच दिए। किसको बेच दिए? तो मोदी सर इस केस में क्या इनोसेंट बायर हो गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि शेयर्स पे क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप। उन्होंने देखा कि शेयर्स पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने वो शेयर्स खरीद लिए, तो मोदी सर इस केस में क्या है? इनोसेंट बायर। बाद में कंपनी को रियलाइज हुआ, रे 30 रुपीज तो हमने मांगे ही नहीं, 30 रुपए तो हमने उदांति का बेटा अनाउंसमेंट देख ग्रुप में डाल दिया ऑलरेडी, 30 रुपीज तो आपने मांगे ही नहीं। इन दैट सिचुएशन बड़ी, क्या कंपनी मोदी सर से 30 रुपए डिमांड कर सकती है? आंसर इज नो, आंसर इज, क्योंकि ये कौन है? इनोसेंट बायर। वो कैसे फेथ में है? गुड फेथ में। तो कंपनी किससे डिमांड करेगी? मुझसे, क्योंकि मुझे पता है वो स्टेटमेंट क्या था? अनट्रू, मैं बोनाफाइड नहीं हूं। फिर से एक बार सुनना बेटा, फिर से एक बार सुनना बेटा वापस से। हुआ यूं, कंपनी ने क्या दिए? शेयर्स दिए। किसको दिए? शुभम अब्बड़ को। और शेयर्स पे क्या लिखा था कि शेयर्स आर, बट वो फुल्ली पेड अप थे कि नहीं थे? द शेयर्स आर नॉट फुल्ली। फिर हुआ यूं, मैंने ये शेयर्स किसको बेच दिया? मैंने ये शेयर्स बेच दिए मोदी सर को। मैंने ये शेयर्स किसको बेच दिए? और मोदी सर ने देखा शेयर सर्टिफिकेट पे फुल्ली पेड अप लगा है, वो तो इनोसेंट बायर है, उनको लगा पूरा पैसा आ चुका है इसके ऊपर, मोदी सर ने खरीद लिए, तो वो क्या है बेटे आपके? मोदी सर यहां पे क्या है? इनोसेंट बायर। कौन से बायर है बेटी? तो जब मुझे बताओ मोदी सर इनोसेंट बायर है, क्या बचा हुआ पैसा कंपनी मोदी सर से डिमांड कर सकती है? आंसर इज नो। एलेगिंग मतलब क्लेम करना, आंसर इज नो। क्या मुझसे डिमांड कर सकती है? आंसर इज यस। आंसर इज व्हाट बेटा आपका? यस। दिस इज व्हाट बेटा आपका? एस्टोपल एस टू पेमेंट, एस्टोपल एस टू व्हाट बेटा आपका? एक होता पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। क्या होता बेटा? पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपके, जैसे पार्सल आया फॉर एग्जाम्पल, है ना, मेरे घर पे पार्सल आया और उस पे नाम लिखा हुआ था सपोज मिस्टर मोदी। मैंने बोला हाँ हाँ मैं ही हूं मिस्टर मोदी। क्या मैं मिस्टर मोदी हूं? मैंने प्रिटेंड किया, मैंने क्या किया? प्रिटेंड किया कि मैं ही वो हूं, मैं ही वो हूं। तो इन दैट सिचुएशन उसको बोलते हैं क्या बेटा आपका? पर्सोनेट। पर्सोनेट मतलब टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, मतलब किसी और की जगह जाके आप कंपनी में वोट करके आ गए। जैसे शादियों में गए हो क्या कभी? बिना ये इसको लिखवा देता हूं, पर्सोनेशन को हेडिंग दे देना, लिखवा देता हूं। पर्सोनेशन का मतलब समझो, कभी शादियां अटेंड करी है आपने? अरे हाँ है ना, कभी करी है शादी अटेंड बिना इनविटेशन के? या फिर किसी और की जगह आप चले गए? नहीं करे तो क्या ही किया जीवन में बताओ? तो आपने क्या कर दिया? बिना किसी, मतलब आपको इनविटेशन नहीं है फिर भी आप पहुंच गए, तो आपने क्या किया? पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब क्या? हाँ, पर्सोनेशन का मतलब किसी और को प्रिटेंड करना, है ना, किसी और की जगह चले गए आप, उसको बोलते हैं पर्सोनेशन। लिख लेना इसको, एक मिनट लिखना। पर्सोनेशन मींस प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। सर फोर्जरी केस में एस्टोपल नहीं लगेगा ना? हाँ, फोर्जरी के केस में नहीं लगेगा बेटा, हमने नहीं किया ऐसा। बहुत बढ़िया, लिखना
परसोनेशन में लिखना प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। लिखना एनी पर्सन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना एनी पर्सन, यहां लिख रहा हूं मैं, लिख लेना एनी पर्सन डिसिप्टफुली, डिसिप्ट मतलब धोखाधड़ी, डिसिप्ट का मतलब क्या होता है धोखाधड़ी, डिसिप्टफुली परसोनेट्स एज एन ओनर, एनी पर्सन डिसिप्टफुली डिसिप्टफुली परसोनेट एज एन ओनर एंड ऑब्टेन इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर इनकम, और अदर इनकम, और अदर इनकम शैल बी लाइबल, शैल बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, शैल बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, शैल बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती, इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम वन ईयर, हाँ वो ही वाला ही है बेटा, चिटिंग बाय परसोनेशन सेम है, इम्प्रिजनमेंट फॉर वन ईयर विच में एक्सटेंड टू थ्री ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम वन ईयर्स विच में एक्सटेंड टू थ्री ईयर्स एंड फाइन मिनिमम वन लैख विच में एक्सटेंड टू फाइव लैख, एंड फाइन मिनिमम वन लैख विच में एक्सटेंड टू फाइव लैख। सर अगर सच में फुल्ली पेडअप है बट शेयर सर्टिफिकेट में पार्टली पेडअप लिखा होगा तो एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेंगे बेटा, आप प्रूफ करोगे तो नहीं देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर आपका, आपका पार्ट बी। अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, पार्ट सी, दैट इज व्हाट बेटा आपका इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। किसके ऊपर आ रहे हैं, इश्यू एंड व्हाट बेटा आपका अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। पहले इश्यू एंड अलॉटमेंट अपन हैंड रिटन नोट से कर लेंगे और उसके बाद अपन मॉड्यूल ओपन करेंगे और मॉड्यूल का ओवरव्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई नई चीज है जो नहीं किया है तो उसको लिखवाते हुए चलूंगा बेटा, यश कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें फिर मेन नोट रेफर करने है, हाँ हाँ करना है ना, बिल्कुल करना है। मैं एक बार मॉड्यूल ओवरव्यू आपके शांति के लिए करवा रहा हूँ बेटा, बाकी आप नोट्स और ये कर लीजिए, मॉड्यूल एक बार मेरे साथ आप रेफर कर लीजिए, दैट्स इट, बाद में बार बार मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इश्यू एंड अलॉटमेंट दोस्तों, सबसे पहले क्या शेयर हम प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, हाँ क्या हम शेयर प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, हाँ बताइए, व्हाट इज प्रीमियम बडी, व्हाट इज प्रीमियम बडी, दस रुपए का शेयर पंद्रह रुपए में बेचा, दिस इज व्हाट, पांच रुपए का क्या हो गया प्रीमियम, एंड प्रीमियम मस्ट बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। भाई साहब शेयर्स अगर पार पे इशू किया, पार मतलब क्या, प्रकृति लिखवा दिया ना, बोला ना तो लिख लेना ना, उत्तर 45 दिन और 3 महीने तो एक सेंटेंस तो है, लिख लो खुद से बेटा वो, हाँ बोलो प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग अबव द फेस वैल्यू, एनीथिंग अबव द व्हाट फेस वैल्यू। अरे 10 रुपए का शेयर अगर मैं 12 रुपए में बेच रहा हूं तो दैट 2 रुपीज इज नथिंग बट द प्रीमियम। अच्छा 10 रुपए का शेयर मैं 10 रुपए बेच रहा हूं तो पार, और 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर मैं 8 रुपए में बेच रहा हूं, दिस इज व्हाट डिस्काउंट। आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। क्या पार पे कर सकते हो, क्या प्रीमियम पे कर सकते हो, सो व्हाट इज प्रीमियम, व्हाट इज प्रीमियम, एनीथिंग अबाउ द फेस वैल्यू, एनीथिंग अबाउ द व्हाट बेटा आपका फेस वैल्यू के ऊपर जो भी होगा इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। और इसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में या तो यहां आएगा या तो आपको अकाउंट्स में आएगा, या तो यहां आ सकता है या अकाउंट्स में आएगा, मोस्टली अकाउंट्स में ज्यादा चांसेस है, यहां आने के चांसेस कम है, ठीक है ना। इफ शेयर सर्टिफिकेट इज फोर्स्ड एंड इनोसेंट बायर परचेस इफ देन, तो वो जो बायर ने जो परचेस करा हुआ है ना उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा बेटा, इनोसेंट बायर को। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आप प्रीमियम को 5 जगह यूज कर सकते हो, कितनी जगह बेटा 5 जगह,
पहला कौन सा है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। सी बात समझना, जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर रहे हैं। रिडम्पशन मतलब क्या? रिडम्पशन मतलब क्या? रीपेमेंट। रिडम्पशन मतलब क्या? रीपेमेंट। या हम डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं। किसका रिडम्पशन कर रहे हैं? डिबेंचर का। तो रिडम्पशन के ऊपर अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं तो वो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से जा सकता है। सपोज मुझे रिडम्पशन करना था, मुझे क्या करना है? रिडम्पशन करना है। 1000 का शेयर्स है, मैं 1200 रुपए क्या कर रहा हूं दोस्तों? मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं कितना एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं? 200 रुपीज आई एम पेइंग ऑन रिडम्पशन। तो ये 200 रुपए का पेमेंट मैं कहां से कर सकता हूं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। एक चीज समझना, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से रिडम्पशन हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स का? नो नो, रिडम्पशन नहीं हो सकता। रिडम्पशन के ऊपर का प्रीमियम दे सकते हो। प्लीज सर, ये सब नोट्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल क्यों नहीं है? बेटा वेबसाइट पे आज अपलोड हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ए प्लीज सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मुझे एक बात बताइए, जब हम रिडम्पशन करते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? व्हाट इज रिडम्पशन? रीपेमेंट। व्हाट इज रिडम्पशन? रीपेमेंट। तो क्या हम रीपेमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं? नो। रीपेमेंट के ऊपर का अगर प्रीमियम है, अगर हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। तो वो प्रीमियम का पेमेंट किस पे हो सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, कमीशन और डिस्काउंट गिवन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, क्या इशू कर रहे हो? शेयर्स। या क्या इशू किया आपने? डिबेंचर्स। तो उसके ऊपर जो आपने कमीशन दिया है या डिस्काउंट दिया है, कमीशन दिया है या क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है, तो उसका पैसा कहां से आ सकता है आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तीसरा बोला है टू राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रीलिमिनरी मतलब क्या? कंपनी पैदा होने के पहले के खर्चे, उसको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं बेटा आपका? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो वो भी आप कहां से दे सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम से। चौथा, टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इश्यू हो सकते हैं किससे? प्रीमियम से। और पांचवा, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी। पांचवा कौन सा बेटा आपका? बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी। तो बताइए क्या इसका मेमोरी टेक्निक है? PCPFB, पी फॉर प्रीमियम, पी फॉर व्हाट बेटा आपका? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। दूसरा, सी फॉर व्हाट? कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। पे पीई फॉर व्हाट? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एफ फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। एंड बी फॉर बायबैक। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जिनको कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, वो सिर्फ तीन जगह ही सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला बोनस शेयर्स, दूसरा बायबैक, तीसरा कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। सर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कर दिया अदर कंपनी से, देन मतलब? प्रतीक समझा नहीं, अदर कंपनी मतलब? हां सो दोस्तों क्या बोला है? सर्टेन कंपनीज। कौन सी कंपनी बेटा? सर्टेन कंपनी जिनको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, तो कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर फॉलोइंग पर्पस। तो पहला कौन सा आपका? बोनस। दूसरा, तीसरा कमीशन और डिस्काउंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा जहां मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जो न्यू बच्चे हैं ध्यान से सुनना, जहां मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है उससे कहीं ना कहीं क्या आई हुई होगी? केस स्टडी। और उस केस स्टडी का मैंने आंसर आपको वहां पे शॉर्ट में लिखवा के दिया है। क्या हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रीमियम से? हाँ, प्रीमियम से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आंसर इज नो, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जितने रीजन दिए हुए ऊपर बस उतना ही कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो डिविडेंड दे सकते हो? आंसर इज नो। दूसरा, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व एज दे आर द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को हम फ्री रिजर्व बोल सकते हैं क्या? आंसर इज नो। सिक्योरिटी रिजर्व को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्री रिजर्व मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक यूज ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बना, उसको क्या बोलते हैं? फ्री रिजर्व। लेकिन यहां पे हमने क्या बनाया है? सिक्योरिटी प्रीमियम पांच पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, इसीलिए दिस इज नॉट अ फ्री रिजर्व। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट बेटा आपका? फ्री रिजर्व। उसको कौन सा रिजर्व बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ठीक है बड़ी। चलिए नेक्स्ट वाला सेक्शन कौन सा है? 53, दैट इज व्हाट इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अलाउड है कि नहीं है? शेयर डिस्काउंट पे अलाउड है क्या? हाँ,
नॉट अलाउड. यस उदांती का अलाउड है क्या? नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है? यस ओल्ड सिलेबस वाले रेफर कर सकते हैं ये नोट्स डेफिनेटली. नॉट अलाउड क्यों अलाउड नहीं है मेरे को बताइए. अच्छा यार आपने प्रैक्टिकली ऐसा देखा होगा कोई 500 रुपए का शेयर है कंपनी उसको अपने एम्प्लॉय को 450 में देती है तो 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना. सी दो चीजें होती है, एक होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू प्राइस, सुनना, एक होना है डिस्काउंट ऑन इश्यू प्राइस, एक होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू प्राइस. आपने डिस्काउंट दिया है कहां पे? इश्यू प्राइस में. और एक होता है डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू. डिस्काउंट ऑन व्हाट बेटा? आपका फेस वैल्यू. यस सूरज. सो अगर आपने किस पे दिया है? इश्यू प्राइस पे डिस्काउंट दिया है अलाउड. आपने फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दिया है नॉट अलाउड. जैसे 10 रुपए का शेयर है उसका इश्यू प्राइस है 100 रुपीज और मैंने उसको 90 रुपए में दिया है, अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड, क्योंकि फेस वैल्यू कितना है? क्या उससे तो ज्यादा ही दिया है ना. फेस वैल्यू से कम नहीं दे सकते, फेस वैल्यू से कम नहीं दे सकते. दूसरा दूसरा 10 रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है? 10 रुपए का, वो मैंने 8 रुपए में दिया, अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? फेस वैल्यू पे. कौन सा डिस्काउंट हो गया बेटा आपका? फेस वैल्यू. तो क्या बोला गया है? कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड अंडर द डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. अच्छा दो जगह डिस्काउंट पे आप दे सकते हो फेस वैल्यू का, मतलब दो जगह फेस वैल्यू पे भी आप डिस्काउंट दे सकते हो. कौन सी दो जगह है? एक आपका कौन सा है बेटा आपका? स्वेट इक्विटी शेयर. स्वेट इक्विटी शेयर क्या था? जो बहाएगा पसीना उसको मिलेगी हसीना. और दूसरी कौन सी स्कीम? डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम? जब आप डेट को कन्वर्ट करते हो इनटू द व्हाट बेटा आपका? इक्विटी. उसको हम बोलते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. एट द व्हाट बेटा आपका? डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. अच्छा एक क्वेश्चन आता है या उधर ही कहीं नोट लिख सकते हो आप, एक और नोट लिख लेना. सपोज आपने डिविडेंड दिया है, क्या दिया है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट डिस्क्लोज इन प्रोस्पेक्टस शैल बी considered as misstatement. Shall be considered as what? Misstatement. इसका मतलब क्या? आपने क्या दिया? Dividend. लेकिन कौन से profit से दिया? Dividend क्या capital profit से दे सकते हो क्या? ये dividend जब आएगा dividends में भी पढ़ा है अपने, dividend आप capital profit से नहीं दे सकते. Dividend किससे दे सकते हो आप? Revenue profit से, normal profit से. कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे सकते. आपने डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से दिया और आपने डिस्क्लोज नहीं किया इस चीज को, प्रोस्पेक्टस में बताया नहीं इस चीज को, तो क्या इसको मिस स्टेटमेंट माना जाएगा? यस. इसको क्या माना जाएगा? मिस स्टेटमेंट. इसको मिस स्टेटमेंट माना जाएगा. इसको मिस स्टेटमेंट माना जाएगा. लिख लो निशान बाबू, पढ़ लिया, पहचान लिया भाई तेरे को. आइए नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है? कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट. नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ बेटा? कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट. सर बट दैट टाइम ऑफ फोरफीचर, बेटा वो फोरफीचर में इश्यू नहीं होता, वो सेल होता है शेयर्स, वो कर सकते हो आप डिस्काउंट पे. सर सिलेक्टिव बेसिस पे शेयर कैपिटल भी यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए? हाँ, सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो. यस, वन एक्सेप्शन है उसके अंदर. चले डन. नेक्स्ट वन देखो, कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट. देखो अलॉटमेंट क्या होता है? व्हाट इज अलॉटमेंट? टेल मी व्हाट इज अलॉटमेंट बड़ी. अलॉटमेंट क्या होता है? देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, एक तो होता है इनविटेशन टू ऑफर, एक क्या होता है, और एक होता है ऑफर. एक क्या होता है बेटा आपका? ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर और दूसरा क्या होता है? ऑफर. ठीक है, एक इनविटेशन टू ऑफर होता है और एक क्या होता है? ऑफर. सी समझते हैं.
कंपनी ने क्या इशू किया? प्रोस्पेक्टस। क्या इशू किया बेटे? किसको? इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलेंगे इसको? इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलेंगे इसको? इनविटेशन टू ऑफर। और पब्लिक क्या करती है? कंपनी को एप्लीकेशन देती है। क्या देती है? कि हमें शेयर्स खरीदने हैं। किसको एप्लीकेशन दिया उन्होंने? कंपनी को। इसको बोलते हैं कि पब्लिक ने क्या दिया? ऑफर दिया। किसको? कंपनी को। और कंपनी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट करके उनको शेयर्स दे दिए। दिस इज व्हाट? अलॉटमेंट। सो व्हाट इज अलॉटमेंट? व्हाट इज अलॉटमेंट? अलॉटमेंट का मतलब होता है डिलीवरी। नहीं रे, डिलीवरी तो 2 महीने बात करते हैं हम। अलॉटमेंट इज द एक्ट, और वी कैन से दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। दिस इज व्हाट बेटा? आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। सी क्या हो रहा है? पहले कंपनी क्या देती है? कंपनी क्या देती है इन्वेस्टर को? एवरीबॉडी। कंपनी क्या देती है? इनविटेशन टू ऑफर। और जो इन्वेस्टर है वो क्या देता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ही क्या? ऑफर। और उस ऑफर को एक्सेप्ट करके कंपनी शेयर्स क्या करती है? अलॉटमेंट। तो व्हाट इज अलॉटमेंट? सर इसमें बहुत कुछ और सिलेबस में नहीं है। सेम है बेटा, कुछ हर चीज सेम है, एग्जैक्टली सेम है। अलॉटमेंट भी है, आपको आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे होगा, बट अलॉटमेंट सेम टू सेम है भैया। क्या नहीं है बोल रहा है? सो व्हाट इज अलॉटमेंट? इट इज एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ इश्यू प्रोसीड्स। आपने जो पैसा दिया उसके बदले हमने आपको शेयर्स दिए, तो आपके प्रोसीड्स के बदले में मैंने क्या दिए बेटा? आपको शेयर्स दिए। उसको बोलते हैं क्या बेटा? आपका कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अलॉटमेंट कौन करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या कौन कर सकता है? कमिटी। क्या ये रीजनेबल टाइम में होना चाहिए? यस। अलॉटमेंट मस्ट बी व्हाट? कम्युनिकेटेड। अलॉटमेंट मस्ट बी व्हाट बेटा? कम्युनिकेटेड। और कम्युनिकेटेड है मतलब ही हमें क्या देना पड़ता है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या देना पड़ता है बेटा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अलॉटमेंट मस्ट बी व्हाट? एब्सोल्यूट। उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना? अलॉटमेंट इज एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। हम ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको शेयर्स दे रहे हैं, तो दिस इज अनकंडीशनल। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। एंड इट शैल मेड अगेंस्ट दी, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उसी को क्या मिलेगा दोस्तों? हाँ, अलॉटमेंट मिलेगा। करेक्ट है? शैल नॉट कॉन्ट्रावेन एनी अदर लॉ। एवरीबॉडी रिविजन। देखो यार, सब लोग रिविजन कर रहे हैं, मेरे को बताओ रिविजन का मकसद क्या होना चाहिए? अभी अगर मरे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एकदम बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक भाई। जितना हो गया घर पे जाके रोज पढ़ना ही पढ़ना है, डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वक्त भैया वक्त नहीं मिलेगा, बाद में कभी पढ़ने का मौका नहीं है। दिस इज द राइट टाइम कि अब अपने आपको एकदम चार्जअप रखो, अपने आपको एकदम एनर्जेटिक रखो। अभी मतलब हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते एक मिनट भी, या एक मतलब एक 10 मिनट भी वेस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए, आज हमने पढ़ाया, आपने घर पे जाके पढ़ा, और जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इतने दिन होता था मेन बैच में ऐसा है कि चलो ठीक है सर, थोड़ा मस्ती भी कराओ, थोड़ा मजाक भी कराओ, हंसाओ सर, उसके बाद हमको समझ। अब वो गया टाइम, अब हंसने हंसाने का टाइम गया, अभी सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का टाइम है भाई। ठीक है? सो एवरीबॉडी, मतलब हर एक बंदे ने क्या करना है? पूरा का पूरा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? रिवीजन पे। ठीक है? इधर उधर की बातें छोड़ के, इधर उधर के क्वेश्चन छोड़ के फुल कॉन्सेंट्रेशन आपके पढ़ाई पे होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। इधर भी जो फेस टू फेस में बैठे हैं, मरे पड़े ना बैठो एकदम, है ना? मरे पड़े ना बैठो एकदम भैया, ठीक है ना? बी एनर्जेटिक एकदम फुल फोकस के साथ। चलिए, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट। तो क्या पहले तो आपको अलॉटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो क्या भेजना पड़ता है आपको? प्रोस्पेक्टस। क्या देना पड़ता है बेटा? प्रोस्पेक्टस। ठीक है? चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। आपको क्या भेजना पड़ेगा एवरीबॉडी? प्रोस्पेक्टस। या क्या भेजोगे? स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। किसको? आरओसी को। अच्छा, कितने दिन के लिए इश्यू ओपन होता है बेटा? पब्लिक इश्यू है तो मिनिमम कितने दिन के अंदर ओपन होगा? मिनिमम 3 डेज, और मैक्सिमम कितने दिन? 10 दिन। राइट इश्यू है तो मिनिमम कितने दिन? 7 दिन, और मैक्सिमम कितने दिन? 30 डेज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन यारा? व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कम से कम इतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी ही चाहिए। कम से कम इतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम
सब्सक्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी चल रही है थिएटर में, तो थिएटर ओनर ने बोला कि कम से कम 80% सीट फुल होगी ना तो ही मैं शो लगाऊंगा, वरना शो नहीं लगाऊंगा। तो 80% क्या हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंडीशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कितना है, 90%। मतलब अगर कंपनी 1000 शेयर्स इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है, 1000 शेयर्स, तो पब्लिक ने एटलीस्ट कितने खरीदने चाहिए, 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। 900 शेयर्स के लिए क्या आनी चाहिए, एप्लीकेशन। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है मेरी जान पान की दुकान, एवरीबॉडी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है बताइए, 90%। कितना भैया आपका, 90% करेक्ट है, यहां तक मत सुनो, ठीक है। चलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए, 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, जिस दिन आपने क्या इश्यू किया, उसके 30 डेज के अंदर आपको 90% मिल जाना चाहिए। उसको कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर कितना मिल जाना चाहिए, 90%। और अगर 90% नहीं मिला तो आपको रिफंड करना पड़ेगा अगले कितने दिन के अंदर, 15 दिन फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ ऑफर। जैसे ऑफर क्लोज होगा, जैसे ऑफर क्या हो जाएगा, क्लोज, तो उसके 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा, और ना कर पाए जो रिफंड तो लग जाएगी पेनल्टी, इंटरेस्ट लग जाएगा कितना परसेंट, 15%, है ना। अथोराइज कैपिटल का कैसा होगा, इशूड कैपिटल का होगा बेटा, अथोराइज कैपिटल तो कितना भी हो सकता है बाबू, अथोराइज कैपिटल पे कैसे होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज 90% ऑफ इशूड कैपिटल, जितना हम इशू कर रहे हैं उसका 90%। गॉट द पॉइंट। चलिए एकदम आराम से छोटी मोटी कंडीशन बताइए, व्हाट इज ओपनिंग, अच्छा कितने दिन के लिए ओपन होता है ऑफर, पब्लिक इश्यू तो मिनिमम, हम रिविजन में भी रिविजन कर रहे हैं, बोलो कितने दिन, कम से कम 3 दिन बोलना है सभी ने, मैक्सिमम, अच्छा अगर राइट इश्यू तो मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90%। कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए, 30 डेज, कहां से, फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट, 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ, जो 90% नहीं मिला तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, 15 डेज, 15 डेज कहां से, क्लोजिंग ऑफ ऑफर, ऑफर क्लोज होने के बाद, और नहीं कर पाए तो 15% का क्या लग जाएगा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू, और जितना भी पैसा आएगा वो एक सेपरेट अकाउंट में रखना, जिसका नाम क्या है, और ये कॉमन पॉइंट है, जब भी आप शेयर अलॉट करोगे आपको आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। जब भी आप क्या अलॉट करोगे, शेयर अलॉट करोगे, आपको क्या देना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है, और उसका फॉर्म नंबर कौन सा है, 5-3, अजी कौन सा है, ये फॉर्म आएगा बहुत जगह, एमसीक्यू में आ सकता है, द फॉर्म फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, तो क्या लिखोगे, ठीक है 5-3, और जो न्यू सिलेबस वाले एमसीक्यू में आ सकता है फॉर्म नंबर, तो 5-3, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन मनी के हिसाब से बेटा अंकुर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये अपन ने कल ही करा था, मिस्टर एम अप्लाइज फॉर शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन मिस स्टेटमेंट, द शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम हु आफ्टरवर्ड्स ट्रांसफर देम टू एन, कैन एन ब्रिंग एन एक्शन फॉर रिसेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट, एन कर सकता है क्या, आंसर इज नो। देखो क्या हुआ है, मिस्टर एम ने केस देखो, मिस्टर एम ने क्या अप्लाई किए, शेयर्स, और कंपनी ने उसको अलॉट भी कर दिए शेयर्स, कंपनी ने क्या कर दिए, अलॉट भी कर दिए, फिर मिस्टर एम ने किसको बेच दिया, एन को, मिस्टर एम ने किसको बेच दिया, एन को, और बाद में मालूम पड़ा एन को कि उसमें मिस स्टेटमेंट है, क्या है, मिस स्टेटमेंट, तो कर सकता है क्या वो केस फाइल, आंसर इज नो। कौन कर पाएगा, एम, कौन कर पाएगा, एम, जो ओरिजिनल है। हाँ सर, हाँ उसको कर देते हैं, कर देते हैं, हाँ मैं देता हूं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए केस लॉस रिलेटेड टू अलॉटमेंट था, अच्छा अलॉटमेंट के लिए रिलेटेड कुछ केस स्टडी आती है, ये केस स्टडी कर लेते हैं, फिर मॉड्यूल से ओवरव्यू कर लेंगे, कल तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होना जा रहा है, क्या कल से स्टार्ट होने वाला, कौन सा बेटा आपका, डीवीआर इश्यूज के टाइप स्टार्ट होने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर वही मिस स्टेटमेंट आ गया ना भैया, आकर्ष बेटा, आकर्ष जयसवाल, मिस स्टेटमेंट का पेनल्टी लग जाएगी, सारे इन्वेस्टर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। चलिए केस स्टडी देखो, पहला क्या है, एन अलॉटमेंट मे बी वैलिड इफ
डिफेक्ट इन डायरेक्टर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर. समझते हैं, सुनो. अलॉटमेंट मस्ट बी डन बाय हुम. केस स्टडी समझना. अलॉटमेंट मस्ट बी डन बाय हुम. अलॉटमेंट मस्ट बी डन बाय हुम. बहुत बढ़िया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय टेकिंग बोर्ड मीटिंग ना. अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय टेकिंग बोर्ड मीटिंग ना. बोर्ड मीटिंग हो गया, अलॉटमेंट हो गया, बाद में मालूम पड़ा अरे बोर्ड मीटिंग चार डायरेक्टर ने अटेंड करी थी, उसमें दो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड थे. क्या डिफेक्ट निकल के आया? अलॉटमेंट वैलिड या इनवैलिड? वैलिड या इनवैलिड? वैलिड. सब्सिक्वेंटली डिस्कवरी, कौन सा डिस्कवरी? अलॉटमेंट मे बी वैलिड इफ डिफेक्ट इन डायरेक्टर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर. ये डिस्कवर कब हुआ है? सब्सिक्वेंटली. तो वो क्या रहेगा आपका? वैलिड. अच्छा, दूसरा बोला है अलॉटमेंट बाय रेगुलर बोर्ड विच सब्सिक्वेंटली रिटायर्ड बाय रेगुलर बोर्ड इज ऑल्सो वैलिड. अलॉटमेंट बाय रेगुलर बोर्ड विच सब्सिक्वेंटली रिटायर्ड, वो बाद में क्या हो गए? रिटायर हुए. ऑब्वियसली बात है, तो वैलिड ही होगा ना. जब वो डायरेक्टर थे उन्होंने अलॉटमेंट किया, अब वो रिटायर हो गए, उसका क्या संबंध है? कोई संबंध. बाद में रिटायर हुए, कोई संबंध नहीं है. तीसरा, अ डायरेक्टर हुए जॉइंड इन एन अलॉटमेंट टू हिमसेल्फ कैन नॉट क्लेम इनवैलिडिटी ऑफ अलॉटमेंट. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, केस स्टडी आने के चांसेस है. क्या लिखा हुआ है? क्या डायरेक्टर कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है? हो ही सकता है ना. मुकेश अंबानी इज अ डायरेक्टर एज वेल एज, कैसी बातें करते हो, ही सकता है ना भाई. अरे मुकेश अंबानी इज अ व्हाट? डायरेक्टर है ना कंपनी का, और साथ में कौन है? तो हुआ यूं, हुआ यूं भाई साहब, मेरी बात समझना. हमने मुकेश अंबानी को अलॉट किया शेयर्स. किसको अलॉट किए? मुकेश अंबानी को हमने शेयर्स अलॉट किए. किसको? किसको शेयर्स दिए? मुकेश अंबानी. हर डायरेक्टर हुए ज्वाइन इन अलॉटमेंट, खुद डायरेक्टर था, बोर्ड मीटिंग में बैठा है. समझो चार बोर्ड, मुकेश बैठे हैं, नीता अंबानी, शुभम अब्बर, शुभम मोदी, चार डायरेक्टर बैठे हैं. कितने डायरेक्टर बैठे हैं? चार डायरेक्टर बैठे हैं. कौन कौन चार डायरेक्टर? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, शुभम अब्बर, शुभम मोदी, चारों बड़े लोग बेटा. हालांकि फिर भी देखो, मोदी सर होने के बावजूद भी मेरे पास में बैठी है, इसीलिए मेरा नाम है अंडी. हाँ ठीक है. सो मेरे को एक बात बताओ भाई, हम चार डायरेक्टर ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा और अलॉटमेंट किया, ये ओल्ड में भी काम में आएगा, याद रखना. और अलॉटमेंट हमने मुकेश अंबानी को दे दिया. किसको दे दिया? बाद में मुकेश अंबानी बोलता है इट इज इनवैलिड अलॉटमेंट. इट इज व्हाट बेटा आपका? इनवैलिड अलॉटमेंट. चोलबे और नो चोलबे? नो चोलबे. तूने खुद ने अलॉटमेंट किया बेवकूफ. अरे हाय ना. तो क्या लिखा है? अ डायरेक्टर हु हैज जॉइंड इन एन अलॉटमेंट टू हिमसेल्फ, उसको खुद को अलॉटमेंट हो रहा है, मतलब वो डायरेक्टर है साथ में उसको अलॉटमेंट हो रहा है, शेयर्स अलॉट हो रहे हैं. कैन नॉट क्लेम इनवैलिडिटी ऑफ अलॉटमेंट. वो खुद बंदा इनवैलिड नहीं बोल सकता, नहीं नहीं नहीं, नहीं आपका मीटिंग इनवैलिड है, इनवैलिड अलॉटमेंट है. अरे तुझे खुद को ही अलॉटमेंट हुआ है और तूने ही अलॉट किया है, मतलब बोर्ड मीटिंग में. बाद में यू कैन नॉट क्लेम दी इनवैलिडिटी. यू कैन नॉट क्लेम दी इनवैलिडिटी. जैसे वही बात होगी, घर पे बैठे हैं, आपके दोस्त आए, सब आपके दोस्त आए, आपने दोस्तों के लिए चाय बनाई है और आप खुद ही बोल रहे हो चाय अच्छी नहीं है. अच्छा, इतना भी क्या बोलते हैं, सच नहीं बोलना, इतना भी सच नहीं बोलना बेटा. ठीक है. फिर बोला था लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट डिलीवर, इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज लाइबल फॉर बैलेंस अमाउंट. द लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट डिलीवर. कुछ तो उल्टा गलत लिखा है क्या इसमें, बताना जरा. कुछ तो लिखवा के गलत दिया है शायद से, ऐसा लग रहा है. एक मिनट बाबू. हाँ वही लिखा है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट डिलीवर्ड, इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज लाइबल फॉर बैलेंस अमाउंट. भले मतलब आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट डिलीवर नहीं हुआ है. क्या डिलीवर नहीं हुआ है? डिलीवर नहीं हुआ है, मतलब बीच में गुम हो गया है, फिर भी आप लाइबल रहोगे किसके लिए? बैलेंस अमाउंट को, अगर आपको शेयर्स दे दिए गए. अगर आपको क्या दे दिए गए? शेयर्स दे दिए गए. फिर बोला अलॉटमेंट अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट शैल बी इनवैलिड. प्रॉमिसरी नोट सुना है आप लोगों ने, कि मैं आई एम लाइबल टू पे, मैं पैसा देगा, दिस इज व्हाट प्रॉमिसरी नोट, और आपको शेयर्स दे दिए, अलॉटमेंट वैलिड या इनवैलिड? सुनना सुनना, आप पैसा देते हो, बदले में आपको शेयर्स मिलते हैं.
इस बार आपने पैसे नहीं दिए, क्या दिए? प्रॉमिसरी नोट। एवरीबॉडी, आपने क्या दिए? प्रॉमिसरी नोट, और बदले में आपको क्या मिल गया? शेयर्स। अलॉटमेंट वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। फिर बोला अलॉटमेंट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी परचेज शैल बी वैलिड। ये आपने अकाउंट में एंट्री भी करी होगी। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी के बदले आप डेफिनेटली शेयर्स दे सकते हो। प्रॉपर्टी के बदले डेफिनेटली शेयर्स। सर अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड था तो भी वोट नहीं कर सकता, बट मीटिंग अटेंड करी ना। थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है, ठीक है, विल स्टॉप अभी के लिए इसको, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट। अरे सुनना ना, एस फाउंडेशन क्लासरूम पता है, अभी जो नया क्लासरूम आया है अपना, उधर स्वामी सर से चाबी लेके आना ना, बोला आपकी चाबी मंगवाई है वैभव सर के ऑफिस वाली। चलो ठीक है, तीन, अभी थोड़ा नेट ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, मिलते हैं कल, मिलते हैं, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी या। अच्छा कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जितना पढ़ाया पढ़ के आना, नोट शाम तक अपलोड हो जाएगा, नोट शाम तक अपलोड हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल द मुस्लिम टू लीव इंडिया एंड ज्वाइन पाकिस्तान। ओ जोनी भैया क्या लिखते हो भैया,